सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कुछ डिफरेंट टाइप का वीडियो कर रहे हैं। आई हैव विराट विद मी हु इज लाइक डूइंग ग्रेट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज जिस टाइप का कंटेंट विराट कर रहे हैं दैट इज मोस्टली अबाउट सिनेमैटिक एंड बी रोल। और मैंने सोचा क्यों ना, बिकॉज ही वॉज हेयर वी डिड अ वीडियो जो आपको विराट के चैनल पर दिख जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। बट आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विराट, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। I think how is Delhi? मतलब Delhi बहुत गर्म गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली की, बट नहीं बहुत खूबसूरत जगह है जो मैंने भी आप लोगों के साथ जो हम लोग घूमे और जो यू नो प्लेसेस आई सॉ, आई थिंक पुणे से कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आई एंजॉयड मोर। ये ज्यादा चीजें है करने के लिए, ज्यादा इंडियन फोटोग्राफी यूट्यूब जो कम्युनिटी है या फिल्म मेकिंग जो कम्युनिटी है, आई थिंक हम लोग ज्यादा मिलते नहीं है। वी डोंट वर्क टुगेदर एंड आई फील कि बिकॉज़ एवरीवन हैज देयर ओन स्टफ टू डू, बट आई थिंक कि वी शुड गेट अ चेंज एंड इसलिए वी शुड ऑल ट्रैवल टुगेदर एंड ट्राई टू मेक दिस कम्युनिटी बिगर। एंड अभी हम जैसे डिस्कशन भी कर रहे थे कुछ वी विल प्लान ट्रैवल। सो जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, कब शुरू करा आपने ये चैनल एंड व्हाट वाज द बेसिक आईडिया? सो आई स्टार्टेड YouTube अप्रोक्सीमेटली अभी मेरे को 2 साल होने को आया है एंड मेरा पूरा आईडिया था अबाउट जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मुझे बेसिकली एज अ किड मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है फोटोग्राफी में, ना ही फिल्म मेकिंग में, ना मैंने कोई कोर्सेज किए, ना मैंने कुछ सीखा। वैसे जो भी मैंने सीखा मैं इंटरनेट से सीखा वीडियोस देखते हुए। सो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भी सीखना है बट दे उसके हमारे पास कॉलेज के लिए पैसे नहीं है या हम ये कोर्स नहीं कर पाते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट इट आउट देयर कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक आर्ट फॉर्म है एंड देर आर नो रूल्स, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है इसमें। सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सर वो मुझे एक मैसेज डिलीवर करना था, बट देन धीरे धीरे ऑब्वियसली थिंग्स चेंज, हम इवॉल्व होते हैं और मैंने फिर मेरा कॉन्टेंट स्टाइल भी चेंज में करते गया टू फिल्म व्लॉगिंग टू सम कैजुअल कॉन्टेंट ऑल्सो, बड़ा मजा एंटरटेनमेंट प्लस इन्फॉर्मेशन। बट पर्सनली इफ आई आस्क यू विराग एज अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट डू यू लाइक मेकिंग? लाइक अगर हम यूट्यूब की बात करें, इज इट बी-रोल सिनेमैटिक, इज इट व्लॉगिंग, या इज इट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और फोटोग्राफी, या क्या? सो आई थिंक माई फर्स्ट प्रायोरिटी वो जो मेरी लाइकिंग की है वो है बी रोल्स मेरे, बिकॉज मैंने आज काफ़ी बी रोल्स शूट किए हुए हैं जिसमें व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि जब मैं बी रोल्स शूट करता हूँ देर इज़ नथिंग दैट कम्स टू माई माइंड। वो एक मैं बोलता था एक मेडिटेटिव स्टेट रहता है मेरे लिए, वो जो एक प्रोसेस रहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिसेंटली एक लैम्बोर्गिनी के लिए शूट किया था एंड वो कार के लिए शूट किया था। हम लोग सुबह 4 बजे हम लोगों ने शूट शुरू किया था, वी लेफ्ट 4 से शाम के 4 बजे तक आई वॉज ऑन नथिंग बट वाटर और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। सो वो जो एक अमेजिंग फीलिंग जो मुझे आती है जब मैं बी रोल शूट करता हूँ वो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन रिप्लेस। एंड सेकंड वुड बी आई लव मेकिंग व्लॉग्स। इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ा कम लगता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है इट्स आउट देयर। आई थिंक व्हाट आई वांट टू शो देम इज माय पर्सनालिटी एंड द टाइप ऑफ पर्सन आई एम। अगर आपको अच्छा लगा नहीं जो आपने वाटर वाला पॉइंट बोला दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद मी एज वेल। एंड आई थिंक जब आपको जो चीज पसंद है आप उसमें जब पूरा टाइम स्पेंड करते हो ना आपको खाने का, और आपको भूख भी नहीं लगती बिकॉज़ यू आर टोटली इनटू इट, आप सब सोच रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज चल रहा है। और इफ दैट्स हैपनिंग आई थिंक जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना है तो हमें नीच समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है, तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको भूख भी नहीं लग रही, आई थिंक दैट इज वन वे दैट पीपल कैन गेस क्या पसंद है करना। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इवन जब आप एक प्रोसेस में अब लोग बोलते हैं ये हार्डवर्क हो गया, बट जब आप वो चीज़ से इतना प्यार करते हैं ना वो हार्डवर्क नहीं रहता तुम्हारे लिए, वो आप अपने आप करते जाते हैं। सो अगर आप सक्सेस के लिए हार्डवर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इफ यू फाइंड समथिंग जिसमें आप यू नो दिल से आपको प्यार है तो आपको समझेगा ही नहीं आप कब हार्डवर्क कर रहे हो, बिकॉज यू आर जस्ट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। सो टॉकिंग अबाउट बी-रोल सिनेमैटिक, व्हाट यू मोस्टली डू ऑन योर चैनल, बहुत लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं आपकी भी जो ऑडियंस है, लेट्स सपोज किसी के पास स्मार्टफोन है या इक्विपमेंट में दे आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड, सो हाउ डू यू थिंक अगर कोई सिनेमैटिक बी रोल करना चाह रहा है इंपॉर्टेंट क्या है? इज इट योर स्किल, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, या गियर मैटर करता है? आई थिंक व्हेन इट कम्स प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग जो गलत चीज कर देते हैं कि दे विल ऑलवेज थिंक मेरे पास ये गियर नहीं वो गियर नहीं है,
बट आज अगर आप एक स्मार्टफोन से भी वर्क करते हैं, इफ यू यू जस्ट हैव अ फोन एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट शूट्स एवरी सिंगल डे, आप ट्राई करो कुछ नया, आई एम टेलिंग यू, यू कैन स्टिल रीच टू अ लेवल जो कोई नहीं कर सकता. सो गेयर, आई डू स्टैंड बाय द पॉइंट, गेयर इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज बहुत क्रिएटर्स ये कहते हैं कि गेयर को मत माइंड में रखो. नहीं, अपने पास आज एक कैमरा है, एक लेवल का इक्विपमेंट है, तो ही आज इस क्वालिटी का कंटेंट बन सकता है. बट एंड ऑफ द डे इट इज योर क्रिएटिविटी दैट मैटर्स द मोस्ट. सो इवन इफ यू आर शूटिंग ऑन द फोन, आप फोन में कितना खींच सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं, बिकॉज मे बी देयर इज ऑलवेज समथिंग जो किसी ने कभी ना ट्राई आउट किया हो ना कभी सोचा हो. राइट. सो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और अगर मैं टेक्निकल पार्ट में जाऊँ तो ऑब्वियसली प्लानिंग आ जाता है, शॉर्ट डिविजन आ जाता है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो लाइक यू मेंशन्ड प्लानिंग, बिकॉज मैं डिस्कस करना चाह रहा था तुम्हारे साथ कि हम जो देखते हैं बी रोल सिनेमैटिक, इट्स फॉर 10-15 सेकंड्स, जो हमें लगता है कि शायद 10 मिनट में बन गया होगा. एंड मे बी इफ आई शोइंग बीटीएस तो वो हमें 15 मिनट का दिख रहा है. बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिल्डअप, कैसे इज इट लाइक पहले यू कम विद एन आइडिया एंड देन उसको सीन बाय सीन डिवाइड किया जाता है, या जब आप ऑन द स्पॉट व्हेन यू आर प्लानिंग थिंग्स तब आप शॉर्ट्स प्लान करते हो? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो है पहले एक मोटिव फाइंड आउट करना, या एक वो स्पार्क की ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा. सो आप जो बी रोल वीडियोज मेरे चैनल पे भी देखोगे, उसके पहले देर आर वीक स्पेंड जहाँ पे मैं मॉम के साथ सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग जाता हूँ और मैं अलग अलग पैकेट्स देखता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके कलर्स अच्छा है, या इसमें क्या हो सकता है. जैसे आप देखोगे हर वीडियो में, जो कमर्शियल में बोल सकता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बी रोल जिसमें हम एक्टिविटीज करते हैं, फॉर द कमर्शियल्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको वो कलर स्कीम समझना चाहिए, आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको पिकअप करना है, उसमें आप किस टाइप के शॉट्स ले सकते हैं. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मी एज अ फिल्म मेकर, वो क्लिक होना प्रोडक्ट के साथ, वो जैसे ही क्लिक होता है मेरे सर में एक शॉर्ट डिविजन लगना शुरू हो जाता है कि इसके साथ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट, देन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक शॉर्ट डिविजन बनाएं. अब इसके लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यू कैन सी सम वीडियोस, रेफरल वीडियोस. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग रेफरेंसेस. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बोलते हैं कि आप कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो. कॉपी करके भी कुछ क्रिएट करना इज ऑल्सो टफ, इट्स नॉट दैट ईजी. एंड उसमें ऑब्वियसली आई ट्राई टू ऐड माई ओन टच. सो आई डू लुक फॉर सम मोटिवेशन फॉर सम डिफरेंट डिफरेंट कि कौन कैसे क्या कर सकता है. एंड देन आई ट्राई टू थिंक कि वो अपने आप आपको आइडिया जाएगा कि यार मैं भी इसको इस तरह से कर सकता हूँ. सो देन आई हैव अ नोटबुक जिसमें मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट ड्राइंग्स बनाता हूँ. सो यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट, बट जस्ट हैविंग अ मेंटल ब्रेकडाउन कि विजुअली आपको किस तरह से यू नो पोर्ट्रे करना है, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी एंड ऑफ द डे इज नथिंग बट डिजाइनिंग ऑफ फ्रेम. सो जब आप वो ड्रॉ करेगी कि मेरे को वो कैन इस तरह से नीचे गिर रहा है, पानी में गिर रहा है, आप उसका शॉर्ट बाय शॉर्ट ड्राइंग करते हैं, तो आपके सर में भी एक क्लैरिटी आ जाती है कि ओके इस तरह से मुझे शूट करना है. एंड आपको ऑन सेट कन्फ्यूजन कम रहता है जब आप शुरू करते हैं शूट. एंड लास्टली जब आप शूट करते हैं तब तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा शॉट्स तो लेते ही है, कभी कभी कुछ अलग बन जाता है, कभी भी लगता है भाई ये तो अच्छा लग रहा है, यहाँ से इम्प्रोवाइजेशन इज तो 100%. टॉकिंग अबाउट फेलियर, मतलब एक्चुअली कल हम शायद कुछ बात कर रहे थे एंड यू सेड कि हम बहुत सारे टेक्स लेते हैं, हम बहुत प्लानिंग जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव वर्कड ऑन समथिंग बट इट डिडंट वर्क आउट, या ऐसा कुछ रहा है कोई प्रोजेक्ट? या बहुत बार मेरा जो सबसे पहला बी रोल जिसने आई थिंक यूट्यूब पर ट्रैक्शन गेन किया था, वो था एक रेडबुल का कमर्शियल. एंड वो जिस रात को मैंने वो शूट करना शुरू किया था, आई थिंक वी स्टार्टेड एट 8 o'clock, 2 बजे तक, रात के 2 बजे आई वाज लाइक नहीं हो रहा है, पता नहीं हो रहा है, क्योंकि तब एक्सपीरियंस नहीं था. तब एक छोटी सी चीज़ रहती है कि जब आप एक प्रोडक्ट का शूट करते हैं और आप पीछे का आपको एक पूरा पिच ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, यू हैव टू प्लेस द ब्लैक कार्डबोर्ड दूर, उस पर लाइट नहीं गिरनी चाहिए, और वो मुझे पता ही नहीं था. तो मैं बोल रहा हूँ यार ये लोग किस तरह से ये लोग अचीव कर रहे हैं, मैं कलर ग्रेडिंग में ट्राई कर रहा हूँ, मास्क कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ थी. और उसकी वजह से मैं उतने घंटों की मेहनत पूरी गई एंड आई वाज लाइक नहीं हो रहा है, एंड नाउ आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड. उस दिन सो गया, अगले दिन वापस सुबह वापस पूरा प्रोसेस शुरू किया. सो फेलियर डस कम एंड इट इज एग्जॉस्टिंग. आपको मेंटली ऐसा लगेगा कि आपको गिव अप करने का मन होगा, आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कंप्लीट दैट, आपको वापस शुरू करना ही है. और आप जितनी बार फेल होते हैं, ट्रस्ट मी यू लर्न समथिंग न्यू. सो एट दिस पॉइंट आई डोंट टेक फेलियर टू बी एज अ नेगेटिव थिंग. ऑब्वियसली देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट, अनॉइंटमेंट, बट मेरे को ये लगता है कि दिस इज अ चैलेंज, एक नया चैलेंज मैंने उठाया है, दिस इज आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. So that's my take on problems or failures. नहीं, actually एक बहुत interesting point है, like you mentioned वो black backdrop वाला. Actually मैं
कल ही एक तुम्हारा वीडियो देखा था, दैट वाज हर्शीज का शायद जो शेक वाला था वीडियो में, दैट फेविकॉल वाला थिंग, एंड आई थिंक दैट टाइम इट डिडंट वर्क आउट, देन नेक्स्ट डे यू कंटिन्यूड विद समथिंग. तो आई थिंक दैट हैपेंस, जो मे बी लोग नहीं देखते बट यू शोइंग दैट बिकॉज ऑफ व्लॉग कंटेंट. उसमें तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें हम लोगों ने फेविकॉल आए हैं, चार डब्बे फेविकॉल के बड़े बड़े हम मिक्स कर रहे हैं, एंड द शॉट दैट आई वाज इमेजिनिंग को टीवी भी किस तरह से दिखता है कि द मिल्क इज फ्लोइंग एंड द फ्रूट्स कम एंड फॉल इन इट. बट तब हमारे पास ऐसा कोई स्लो मोशन कैमरा नहीं था, सो इवन व्हेन वी वर ट्राइंग इट वो शॉट आने को तैयार नहीं. एंड मैं ये सब घर पे शूट करता हूँ, गंदगी तो सब कर दी, मम्मी अलग गुस्सा कर रही है कि ये क्या कर रहा है, वो फेविकॉल नीचे गिर रहा है, घर खराब हो रहा है. But it didn't come out the way I wanted it to, definitely. But I did learn ki kis tarah se uska kya consistency rehta hai, aise shots ke liye actually kitna planning lagta hai. Right. Dikhne ke liye to ek second ka dikhta hai aapko TV pe ki haan aise aa gaya, bahut masla lag raha hai, chalo usko recreate karte hai. But mujhe ek point bahut acha laga where you mentioned ki you wanted to achieve that in slow motion, but 60 mein it was not working. 120 you tried, right? Yeah, 120. So कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि ठीक है 120 में आ रहा है विल यूज इट बिकॉज ये यूट्यूब पे ही जा रहा है, बट दैट थिंग दैट यू एक्चुअली वेटेड एंड यू स्पेशली गॉट 240 एफपीएस. आई हैड गॉन एंड मैंने फिर A7S Mark III लाया, इवन दो आई वाज शूटिंग द एंटायर थिंग ऑन कैनन, बट आई गॉट द सोनी कैमरा 240 में भी वो लुक नहीं आ रहा था, क्योंकि तब तक बाकी सब रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, वो स्ट्रॉबेरीज भी पूरे खराब हो रहे थे, फूड ज्यादा वेस्ट नहीं करना था, सो वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट क्योंकि देयर वाज नॉट अ क्लाइंट शूट. थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा अबाउट लाइटिंग, लाइक यू यूज लाइटिंग, यू शूटिंग, यू थिंक लाइटिंग, अगर मैं एक जस्ट सिचुएशन दूं दैट यू हैव एक्स अमाउंट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ कैमरा मे बी लाइटिंग, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू आर शूटिंग सच थिंग्स इनडोर्स क्या ज्यादा काम आता है? इफ यू हैव अ डिसेंट बॉडी जिसमें आप अच्छा खासा शूट निकाल सकते हैं, द नॉर्मल बिगनर मिस्टेक इसकी मोर गेयर, मोर लाइट्स, मोर लाइट्स नहीं, मोर लेंसेज, मोर बेटर बॉडी, बेटर कलर्स, बेटर सेंसर, फुल फ्रेम, ये वो. बट द मोमेंट आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइटिंग, जैसे आज मेरे पास भी यही गोडॉक्स का सेम सॉफ्ट बॉक्स है SLW60, व्हेन द मोमेंट आई टुक इट एंड आई वाज लाइक डूड दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग. Yes. I didn't want the LCD lens, ये वो ठीक है, but lighting is so important and it is so crucial, but बहुत लोग इसे हल्के में ले लेते हैं कि maybe you know ऐसे वैसे, but अभी भी मैं learn कर रहा हूँ, I don't know a lot about lighting, but it is very important. आज अभी मैं एक frame design करता हूँ, I think with lights you can take it from 0 to 100. जैसे आज एक backlight हो गया मेरे, actually घर में setup में मैं पीछे एक gelatin paper लेता हूँ and पीछे से मैं LED लगता हूँ, तो उसमें वो gelatin paper में change कर देता हूँ, अलग अलग backdrop लेने के लिए, कभी blue कर दिया, कभी red कर दिया, वो एक छोटी सी चीज के वजह से, and a lot of people notice this on my YouTube channel also, उन्होंने comment भी किया कि हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे करते हो आप, so बहुत simple चीजें रहती है जो एक बहुत बड़ा impact create कर देती है. नहीं अच्छा ग्रेट, बिकॉज अब थोड़ा सा लाइक हमने प्री प्रोडक्शन का बात करा, प्रोडक्शन में यू आर गिविंग टाइम एंड एफर्ट्स, पोस्ट प्रोडक्शन का अगेन आई सॉ दैट हर्शी वाला वीडियो जहाँ पे यूर यूजिंग ग्रीन पेपर, तो सिंपली इट्स ग्रीन स्क्रीन करने के लिए सिंपली यूजिंग अ ब्लैक ग्रीन चार्ट पेपर. सो ये जो चीज़ें हैं, इज इट लाइक यू थिंक कि मैं इसको अलग से ग्रीन स्क्रीन करूंगा, या बिकॉज ग्रीन चार्ट पेपर होना इज लाइक आपने प्री प्लान करा होगा, सो डिड इट वर्क आउट वेल एंड व्हिच सॉफ्टवेयर्स आर यू प्राइमरीली यूजिंग? सो राइट नाउ आई एम यूजिंग प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा दूर रहता है क्योंकि मुझे वो बहुत डरावना लगता है, पर कभी कभी जाना पड़ता है वहाँ पे. मैं भी अभी तक जा नहीं पाया नहीं, बिकॉज तुम्हारा प्रीमियर पे एक बार उतना मेरा कंफर्ट जोन हो गया है कि आज मैं मैक पे कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों ने बोला कि FCP ट्राई कर क्योंकि इसमें देखो रेंडर स्पीड अच्छे मिलेगा, बट जिसपे हाथ और कंफर्ट बैठ गया है ना, एक अलग लॉयल्टी हो गया मेरा फ्री. अभी FC में क्या हुआ, दे आर गिविंग 3 months फ्री ट्रायल, तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया बट मैं उसको चलाया नहीं बिकॉज प्रीमियर प्रो से इतना वो पता नहीं, वो प्रीमियर प्रो देख के मेरे को आई जस्ट लव द आउटलाइन, द सॉफ्टवेयर इन जनरल. आफ्टर इफेक्ट में भी ऐसा नहीं है, इवन दो दे कम फ्रॉम द सेम कंपनी, आफ्टर इफेक्ट्स आल्सो मेरे को थोड़ा टू क्लस्टर्ड लगता है, यू नो, सो टू मेनी थिंग्स, बट मे बी दोस आर मेंट फॉर लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल, एग्जैक्टली वो तो अलग स्किल है. बट टॉकिंग अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन में, मतलब हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो पोस्ट प्रोडक्शन का बिट हुआ बट उसमें भी प्री प्लानिंग बिकॉज़ आप ग्रीन वो स्क्रीन वाला इफेक्ट लेना चाह रहे हो, सो यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रॉप्स यू विल नीड, ये हर शूट से पहले
आई डोंट नो इफ ज्यादा लोगों को ये पता है पर मैं इवन क्लाइंट वर्क बहुत करता हूँ, आई हैव डन म्यूजिक वीडियोस, आई हैव डन, तो तब आपको जब वो प्रैक्टिस में आपको जो नॉलेज मिलता है ना उसमें आप एक चीज भी यहाँ से वहां नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इज मनी, यू हैव रेंटेड आउट बिग गेस, पीपल का टाइम है, सेट्स है, सो उससे ये छोटे लेवल पे मुझसे भी ये हो जाता है, बट जब वो बड़े लेवल पे रहता है ना, दैट इज द मेन मैन, लिटरली यू हैव टू मेक एक्सेल में, यू हैव टू मेक कौन से प्रॉप्स लगेगा, कौन कहाँ पे कब पहुंचेगा, कितने बजे पहुंचेगा, सो इवन फॉर स्मॉल शूट्स इट इज ऑलवेज गुड टू हैव दैट हैबिट कि आप हर चीज का एक नोट बना रहे हैं, हर चीज में कि ओके मेरे को ये सब लगेगा, चार्ट पेपर्स लगेंगे, चार्ट पेपर्स भी अगर एक चार्ट पेपर गीला हो गया, खराब हो गया तो नया लेके, सो व्हेन यू गो टू बाय वी बाय एक्सेस में ओनली, और वो क्या एक हाथ एक सेकंड का शॉट रहता है, और एक सेकंड शॉट के लिए यू हैव टू गो, यू हैव टू बाय मल्टीपल थिंग्स, सो यस, प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोइंग कि आपको क्या क्या लगेगा शूट पे ताकि आप लास्ट मोमेंट टाइम नहीं वेस्ट करें अननेसेसरी थिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So, coming on to YouTube, because YouTube is something जहाँ से हम भी connect हुए and we get to know each other. So, right now, how is YouTube helping you? मतलब, is it helping in terms of assignment या just जो आपका creativity है, you are able to show it to people? For you, what is YouTube right now? How is it helping you? YouTube, I would want to, जो मैं YouTube को एक career की तरह भी deal कर रहा हूँ. Last एक साल पहले मैंने सारा client work मेरा drop कर दिया. सो आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो मैं ऑन गोइंग बेसिस से उनके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा था, एंड वन डे आई जस्ट कॉल देम ऑफ की सॉरी अभी आई थिंक आई नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर ऑल. इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप क्योंकि आप एक सेकेंड में वो पूरा इनकम हो या जो भी हो. ओके आई एम प्रिविलेज इनफ कि यू नो इट वॉज नॉट थ्रू विच माई रन हाउस वॉज रनिंग, बट मैंने वो सब बंद कर दिया एंड आई वॉज लाइक अभी यूट्यूब फुल टाइम मुझे करना है. तब मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे. ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बुरा डिसीजन है, कोई इंस्पायर मत होना. मेरा भी यही ऐसा कुछ हुआ था, मैंने भी इंस्टेंट डिसीजन. तो 2000 सब्सक्राइबर पे आई वाज लाइक ये छोड़ देते हैं. सो आफ्टर आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड मेरे को थोड़ा रिकग्निशन मिलने लगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, 10K क्रॉस हुआ, 15K हुआ, नाउ क्लाइंट वर्क मैंने वापस उठाना शुरू किया है, बट नाउ द गेम इज कम्प्लीटली डिफरेंट. लोगों का एक आपके तरफ देखने का जो लुकआउट रहता है ना कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. सो नाउ टुडे इवन नाउ आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस अप इन द राइट वे, बट आई फील लाइक फोटोग्राफर्स को दे डोंट गेट द रिस्पेक्ट दे डिजर्व समटाइम्स. ओके और ये क्लाइंट वर्क के साथ बहुत बार मैंने देखा हुआ है. फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स कभी कभी दे ट्रीट देम कि ठीक है फोटोग्राफर ही तो है, बट नहीं यार फोटोग्राफर है वो, उसके वजह से ही आज आपका डिजिटल मीडिया चलता है, आपका जो पूरा ब्रांड का इमेज है ये डिजाइनर्स से फोटोग्राफर्स से वीडियोग्राफर्स से ही आपका चलता है. बट जैसे ही वो एक YouTube का चेंज आया और YouTube का नंबर्स बढ़े, पीपल स्टार्टेड लुकिंग गिविंग मोर रिस्पेक्ट, अच्छा टाइम, बजट्स भी ज़्यादा बढ़ने लगे बिकॉज उनको भी आज रिकग्निशन मिल रहा है कि आज यू नो विराग देसाई आके हमारे लिए शूट कर रहा है. सो यस इट हेल्प मी अ लॉट एंड आई वुड डेफिनेटली से कि एज फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स वी नीड टू इंक्रीज आवर रिस्पेक्ट. You know, जिस तरह से we cannot let people treat us sometimes to a galat tarike. Actually, it's a very interesting one. ये perspective मैंने कभी नहीं सोचा because I've done wedding photography events और वहाँ पे you are not treated in a way. जो YouTube पे एकदम opposite. लोग आपको ऐसे which I actually do not मुझे उतना अच्छा नहीं लगता कोई आपको सर बोल रहे हैं ऐसा कुछ है. वो थोड़ा ऑड भी हो जाता है बट एक्चुअली वो एकदम ऑपोजिट चीज है. ऑन फील्ड आपको उस हिसाब से नहीं देखा जा रहा जैसे आपको सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाइड दिख रहा है. तो दैट डिफरेंस इज एक्चुअली बिकॉज़ कैसे रहता है ना कि आपका अपने व्यूअर्स के साथ एक वन साइडेड रिलेशनशिप बन जाता है. वो आपको हर रोज देख रहा है, आपकी हर छोटी छोटी एक्टिविटीज को देख रहे हैं बट आप उनकी एक्टिविटीज को नहीं देख रहे. सो बहुत नेचुरल एक ह्यूमन नेचर है कि उनके लिए आपके लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ना इज वेरी एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू. अगर मैं बात करूँ तो द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव प्रोवाइडेड, आपने कितने लोगों के कितने डाउट्स, कितने फोन फोटोग्राफर्स से लेकर यू हैव लेट पीपल नो कि अगर फोन से भी फोटोग्राफी की जा सकती है आप किस तरह से. मैं जस्ट आपसे ही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि किस तरह से जब मेरा यूट्यूब का एक बहुत लो फेज चालू था I was actually watching his video only. I never thought ki kuch hi mahino mein I'll be sitting here with you. No, it's actually a good thing because abhi hum bhi mil rahe hain, so I'll get to learn something new from you or alag perspectives exchange hote hain. So that's a good thing. Baki hum social media ki baat kar rahe the. So like you mentioned that if you are on social media, I think client work mein jo offline ho raha hai, somehow commercially you can charge them a good amount. Because I think ek ye perspective bhi aata hai ki jab hum brands ke sath kaam kar rahe hain, we have our own set of audience jo day by day grow ho rahi hai. So then also comes sponsorship or associations or ye sab.
सो अभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ ऐसा लाइक सो फनी स्टोरी है कि मैं यूजुअली जब क्लाइंट वर्क होता है कोटेशन जाता है तुम्हारे एंड से कि तुम क्या प्रोवाइड करोगे कितना प्रोवाइड करोगे एंड स्टफ लाइक दैट एंड पहले नॉर्मली कोटेशन जाता था बट अब मेरे कोटेशन में ये भी जाता है कि इसका पूरा बी टी एस है जो अभी मुझे बी रोल के लिए स्पेशली क्लाइंट्स मिलने लगे हैं स्पेशलाइजेशन नाउ ओनली बी रोल दे विल कॉन्टैक्ट मी बिकॉज दे नो ये बंदा इसमें हमको स्पेशलाइज करके देगा सो कोटेशन में एक एक्स्ट्रा लाइन भी जाती है कि ये आपकी जो बी टी एस वीडियो रहेगी ये एक ये यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा बी टी एस जाएगा आपकी ब्रांड का नाम लिया जाएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन थ्रू इट जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट की तरह ऐड करता है टोटली सो यस आई हैव सीन दैट चेंज एंड आई थिंक कि इट डज चेंज अ क्लाइंट्स लुकआउट वेन दे आर लुकिंग एट यू यू नो द वे दे वॉन्ट टू दे क्लियर थिंग्स आउट फॉर यू और यू नो दे मेक श्योर कि यू डज यू गेट वॉट एवर यू नीड टू फिनिश योर शूट एंड आपकी जो पूरी आर्ट है वो आप किस तरह से उनको फाइनल प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो नहीं एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग बिकॉज ऑडियंस के लिए अल्टीमेटली और गिविंग देम कंटेंट उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग यूट्यूब फुल टाइम लाइक पीपल नीड टू रियलाइज कि फाइनेंशियली यू हैव टू बी सपोर्टेड समहाउ सो इवन इफ इट्स अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट बट एटलीस्ट एट द एंड लोगों को कुछ ना कुछ उसमें से बेनिफिट मिल रहा है सो एंड आई थिंक यूट्यूब कहीं ना कहीं आपको एज अ क्योंकि होता क्या हमारा मैं भी अगर फोटोग्राफी में हूँ फॉर मी यूट्यूब माइट वर्क एज अ मार्केटिंग टूल बिकॉज कोई ब्रांड आपको ऐसे नोटिफाई कर सकता है कि मे बी जो ऑफलाइन आपको नहीं देख पा रहे बट ऑनलाइन दे गेट टू नो कि हाँ विराग है जो हमारे लिए शूट कर सकता है सो मे बी फ्रॉम देयर दे डिस्कवर यू एंड देन यू गेट एन ऑफलाइन प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सो क्लाइंट वर्क भी रिसेंटली ही मुझे मैंने ये मैगी बी रोल किया एंड बहुत आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया और वो एक महीने में ऑलमोस्ट अभी 6 लाख व्यूज पे पहुंच चुका है तो मुझे मोस्ट वॉच्ड वीडियो या राइट नाउ इट इज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो तो मुझे जयपुर से फोन आया है कि हमारी कंपनी है हम प्रोडक्ट सेंड करेगा बी रोल शूट करोगे साउथ से आया है नॉर्थ से आया है लाइक इतना एक्सपोजर कि ऑल ओवर इंडिया से सो आई फील कि आज सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी गुड प्लेस जहाँ से आप अगर आपको पूरा गोल भी अगर ऑफलाइन है तो वो भी आपको बहुत अच्छा ऑफलाइन मिल सकता है उतना डाइवर्सिटी से मिल सकता है सो इट वाज अ गुड थिंग कि कहाँ कहाँ से लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट भेज रहे हैं दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग सो व्हाट्स देयर इन द फ्यूचर लाइक हाउ डू यू सी आप कैसे आगे डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद यूट्यूब या Yes, I would definitely मुझे YouTube पे अभी मेरा फुल फोकस है एंड द रीज़न मैंने क्लाइंट वर्क भी ड्रॉप कर दिया था बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जो मुझे हैम्पर कर इन माई YouTube सो राइट नाउ माई फर्स्ट प्रायोरिटी की आज मैं ये ट्रिप पे ले भी जो आया हूँ स्पेशली आप लोगों से मिलने ये वो मैं राइट नाउ माई ओनली गोल इसकी मुझे YouTube पे अभी ग्रो करना है फ्यूचर में आई विल पिक अप क्लाइंट वर्क आई विल आउटसोर्स टू डिफरेंट थिंग्स क्योंकि यू नो दैट्स ग्रोइंग यू हैव टू टाइम के साथ आपको अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना जरूरी है बट अभी के लिए द प्लान इज यूट्यूब और ऑनेस्टली अगर आप स्पेसिफिकली पूछे तो मैंने उसके आगे का ज़्यादा सोचा नहीं है राइट नहीं अच्छा है सो द नाइस टू गेट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर एंड एंड आई थिंक जो अभी हमने 20-25 मिनट का वीडियो किया लॉट ऑफ पीपल वुड गेट टू नो योर पर्सपेक्टिव मे बी एनी फाइनल वर्ड्स दैट यू वांट टू बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है अभी ना हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है एंड दे हैव टैलेंट विद इन देम बट उनको हेजिटेशन होता है कि हम यूट्यूब पे नहीं आ सकते सो एनी फाइनल वर्ड्स दैट यू वांट टू शेयर अगर आप में एक्चुअली एक इच्छा है कि आपको यूट्यूब पे आना है आपको कंटेंट क्रिएट करना है स्टॉप वेस्टिंग टाइम ये आई थिंक मेरा सबसे बड़ा जो मैं लोगों में देखता हूँ कि हाँ करना है हमने प्लान किया है हमने ये नहीं करने लगो यू नो क्योंकि मुझे भी लगता था कि जब मुझे शुरू करना था मुझे कौन क्यों देखेगा आज हमारे पीटर भाई आए इतने पीटर मकेरियन जी जो इतने अच्छे लेवल के कंटेंट बना रहे हैं मैटी है देयर आर सो मेनी बिग बिग क्रिएटर्स डैनियल शफर जो जहाँ से हम लोग इंस्पायर हुए बी रोल सो माय हेड में आई वाज लाइक कि व्हाई वुड समबडी वांट टू वॉच दिस बट ट्रस्ट मी हम सभी में कुछ यूनिक है जो मे बी हमको भी खुद नहीं पता है टोटली एंड यू नीड टू पुट योरसेल्फ आउट देयर और आपको धीरे धीरे आप उसमें से ग्रो करेंगे बहुत लोगों का एक मेंटालिटी रहता है कि YouTube शुरू करेंगे तो बूम के साथ करेंगे डोंट एंटर YouTube लाइक दैट क्योंकि आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएगा टोटली इट्स अ मैराथन तो आपको शुरू करना है आराम से ही धीरे धीरे आप भी इवॉल्व हो गए आपको भी पता चलेगा लोगों को क्या अच्छा लग रहा है आपको मुझे कभी लगा नहीं था कि बी रोल एक ऐसा चीज रहेगा मेरे चैनल पे आई नेवर प्लान्ड इट इट जस्ट हैपेंड सो डोंट वेस्ट टाइम अभी सही समय है कि आप इसमें अगर आपको एंटर करना है कीजिए कैमरा के साथ फ्रेंडली हो जाइए सबसे बड़ा जो पहले एक दुश्मन रहता है फिर सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है ये कैमरा से बात करना राइट
सो यू नीड टू ब्रेक दैट आइस विद द कैमरा ऑल्सो. टेक सम टाइम, कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. धीरे धीरे लोग भी बोलेंगे कि यू नो क्या कर रहा है, ऑकवर्ड, ये सब बहुत बहुत. मेरे को याद है मेरा पहला जो वीडियो था इंस्टाग्राम पे, वो मैंने एडिट करके फ़ोन में रखा था. फॉर 6 months इट वॉज इन माई फोन. अच्छा. और एक दोस्त ने नया कैमरा लिया, उसमें मैं ISO अपर्चर और शटर स्पीड जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था, 3 pillars ऑफ फोटोग्राफी. मेरे दोस्त ने नया कैमरा लिया था एंड वो बोला, ब्रो ये क्या रहता है ISO? मैं बोला, अरे फोन पे क्या एक्सप्लेन करूँ, छोड़ देखो एक वीडियो भेजता हूँ देख ले. उसने देखा, ब्रो ये क्या है, वाई आर यू पुटिंग दिस आउट? नहीं 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 भाई, किसी को सेंड मत कर देना ये वो. तो उसने चुपके से चुपचाप वो फोन अपलोड कर दी. अच्छा, वो वीडियो. हाँ. और उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया एंड द रिस्पॉन्स वॉज क्रेजी. एंड उसके बाद आई वॉज लाइक ओके नाउ आई वॉन्ट टू मेक मोर ऑफ दिस. सो दिस इज बिफोर यूट्यूब. दिस बिफोर यूट्यूब. मैं इंस्टा पे एक शटर ट्यूजडे करके सीरीज बने की थी 2 महीने के लिए, जिसमें हर ट्यूजडे पे आई शुड मेक अ स्मॉल वीडियो IGTV जिसमें मैं सिखाता था अलग अलग चीजें. बट वो जैसे ही पहला वीडियो अपलोड हुआ, तब तो लिटरली वो 2 मिनट के वीडियो के लिए आई हैड टू टेक 2 to 3 days, क्योंकि हर लाइन ऐसे पहले पढ़ो कंप्यूटर पे, फिर वही यहाँ पे बोलो, उसमें अगर एक और भी हवा हो जाए पूरा गया, वापस करो वापस करो. सो तब तो वो कैमरा से आईज ब्रेक करना वॉज वेरी टफ. बट देन वंस यूट्यूब स्टार्टेड थिंग्स गॉट ईजियर एंड गॉट ईजली डू इट. सो नेवर थिंक कि यू आर लेस, कि आपसे अच्छे लोग हैं, क्योंकि यार जो तुम हो वो तुम हो. That's nothing to do with कौन कितना अच्छा है. So anything you want to do, just create and don't overthink it. Just jump into it, क्योंकि बाद में regret करोगे कि यार काश वो एक step ले लिया रहता. Exactly. So don't do that. Just do it. Great. Thanks a lot for this discussion. I think काफी लोगों के लिए informative भी रहा होगा, motivational भी होगा. I hope so. And people will get to know what you do and maybe connect with you much better. So that's it everyone. I hope aap logon ke liye kuch beneficial tha. And if you are already not subscribed, do visit Virag's channel. Pehle content dekhna achha lage. So do check out more of his work. That's all. Thank you everyone. And aise hi kuch aur aage content banayenge. And Virag ka channel dekhna. Wahan humne kuch videos saath mein shoot kara tha. You'll get to know. Aur aage bhi bahut karne wale hain. Okay, so stay tuned for that also. Great. Chalo, bye everyone. Take care and we'll meet soon. Thank you so much.